ये जो फिल्म है बाहुबली जो पहली बाहुबली थी उसने सिंगल थिएटरस को रिवाइव करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई तो इस बार आपको क्या लगता है कि सिंगल थिएटरस में ये फिर उससे भी ज्यादा धमाल मचाएगी या फिर देखिए आई थिंक जैसे मैंने कहा पहले ही जब मैंने इंट्रोड्यूस की फिल्म को मुझे लगा है कि हम बहुत प्राउडली कह सकते हैं कि द मोस्ट एंटिसपेटेड फिल्म इन इंडिया टुडे इज़ अ फिल्म नॉट मेड इनहेरेंटली इन द हिंदी लैंग्वेज बहुत गर्व की बात है कि देर इज़ अ पीस ऑफ सिनेमा मेड इन आर कंट्री विच वे आर ऑल्सो प्राउड ऑफ दैर इज रेजनेटिंग अक्रॉस द कंट्री सारे देश में जैसे धमाका समझ चुका है हमारी इस फिल्म की वजह से तो मुझे लगता है कि चाहे वो सिंगल स्क्रीन्नस हो या मल्टीप्लेक्सेज हो इट्स अ पैन इंडिया फिल्म और आई थिंक फुल क्रेडिट टू राजा मौली सर कि उन्होंने एक ये एक पूरे हिंदुस्तान के लिए नहीं विश्व के लिए ये फिल्म बनाई है और जिस तरह की पेशकश है जिस तरह की प्रेजेंटेशन है जिस तरह की इमोशनल नैरेटिव और कहानी है आई थिंक ये हर जगह हो ये चाहे वो सिंगल स्क्रीन हो या मल्टीप्लेक्सेज हो हर ऑडियंस के लिए बनी है फिल्म तो रिवाइव तो हम नहीं जानते क्योंकि ऑलरेडी काफी रिवाइव हो चुके हैं बिकॉज ऑफ ऑल द वेरियस मूवीज मेड इन द लास्ट कपल इन लेकिन इतना जरूर कह पाऊंगे दैट दिस इज हेडिंग हैडिंग अ हिस्टोरिक रन एट द बॉक्स ऑफिस दैट आई कैन शो यू